स्वागत है आपका आम जनता क्या कहती है में। मैं विनय कुमार संवाददाता जनीस आलम के साथ अभी मौजूद हैं नरकटिया गांव, जो कि गेहुआ नदी के किनारे अवस्थित है। यह एक ऐसा गांव जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत कीरतपुर प्रखंड में ये गांव स्थित है। अभी हम संवाददाता जनीस आलम के साथ जिस गांव में आए हैं वो नाव के सहारे आए हैं, जहां आज 50 साल से ये गांव भयंकर बाढ़ से, हर साल बाढ़ से ये गांव त्रस्त रहता है। ये गांव कभी भी यहां पे बिना पानी का, जिसको हम कह सकते हैं कि ये गांव आज भी बड़े बड़े यहां पे नेता आते हैं, एमपी साहब आते हैं, एमएलए साहब आते हैं, और सिर्फ हाँ हो जाएगा यही शब्द उनके जुबान पे रहता है, और फिर ये वादा यहाँ से करके जब भी जाते हैं फिर दोबारा लौट के नहीं आते हैं। इस गांव में जो समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, अब हम यहाँ के प्रतिनिधि से बात करेंगे। कैसे इस गांव में ये लोग सफर करते हैं, इस गेहुआ नदी के बीच ये गांव किस तरह आने जाने का यहाँ पे सुविधा है, कैसे ये प्रखंड जाते हैं, कैसे ये दरभंगा जाते हैं, सारी समस्याओं के साथ इस गांव की जनता से हम बात करेंगे। सर आपका क्या नाम? राजेंद्र पासवान। राजेंद्र पासवान, पूर्मुखिया नरकटिया होने पंचायत। सर यहां पे राजेंद्र पासवान, राजेंद्र पासवान, पूर्मुखिया नरकटिया होने। सर इस गांव में मैं मौजूद हूं, अभी मैं नाव के सहारे इस गांव में आया हूं। इस गांव में आने का क्या क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पुल बन जाएगा इसके बाद रास्ता होगा, और इसके बाद कोई सहारा नहीं, इसके बाद कोई सहारा नहीं है, यानी आने जाने का सारा सुविधा सिर्फ एक नदी है। जी जी। और जब भी जाते हैं तो नदी के ही सहारे जाना पड़ता है। और ग्रामीण से भी हम बात करने के लिए अभी जा रहे हैं, कैसे इस गांव में शिक्षा चल रहा है, कैसे यहां के लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, या कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र जाना हो या हॉस्पिटल का जरूरत हो, एक दवा लेनी हो, तो कैसे यहाँ के लोग उस मंजिल तक पहुंचते हैं, और भी प्रतिनिधि से हम बात करते हैं। सर आपका नाम? नारायण ठाकुर। यहाँ इसी गांव के हैं आप? जी हाँ। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? यहाँ आप 50 वर्ष से नाव के सहारे हम लोग जीता। इस गांव में बिना नाव के ना हॉस्पिटल जा होता है, अगर किसी को बच्चा होना है तो वो भी जो है सो बिना नाव के सहारे से नहीं, चाहे वो पेशेंट मर क्यों ना जाए। बच्चा को पढ़ने लिखने में भी काफ़ी दिक्कत होता है, कारण पानी ही पानी रहता है। यहाँ कोई सरकार नहीं, हम लोग 50 वर्ष से सरकारों के पास हुआ है, तो पूरा जितना पहुँच था लगा दिए, लेकिन हम गरीब बस्ती है, हरजन बहुल बस्ती है, यहाँ कोई कुछ किसी का सरकार नहीं, हम लोगों के पास कोई सरकार का साधन नहीं, कोई सरकार है ही नहीं हम लोगों का। खाली विधायक और सांसद बनने के समय में आते हैं और कहते हैं जो हमको वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई चारा नहीं, कोई सहारा नहीं। अभी आपके सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, कभी आप उनसे मुलाकात किए हैं आप लोग? जी नहीं, वो कभी आए ही नहीं, हम लोग के पास उतना जो है सो है नहीं पूंजी जो दिल्ली जाके उनसे बात करें। जन्माष्टमी में आए और बस तुरंत 10-20 मिनट की बात चले। सांसद जी और जन्माष्टमी देखे, मेला घूमे और भाषण दे दिए। यहाँ पर जो सर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में आप लोग को क्या क्या तकलीफें हुई? यहाँ बाढ़ में हम लोगों को जो तकलीफ हुई वो खाने के लिए हम लोग तरस गए। ऊपर से बारिश और नीचे चारों तरफ घर घर पानी, हम लोग कैसे बांध पर जाए, कैसे जान बचाए ये मत पूछिए। सिर्फ सरकार सरकार होता है, सरकार कुछ नहीं, हम लोगों को कोई सरकार नहीं, कोई साधन नहीं। अभी हम भूतपुर मुखिया जी से बात करेंगे कि यहाँ जब बाढ़ आती है तो स्थानीय प्रशासन क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराती है यहाँ पे। सर यहाँ जब पानी था बाढ़ का, तो यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, नहीं। सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। नहीं, सिर्फ भोजन चला 15 दिन 2 टाइम, इसके बाद कोई सुविधा नहीं। एक ऐसा गांव नरकटिया जहां पे सिर्फ जब पानी आता है तो सिर्फ बाढ़ का जो पानी है उसमें सुविधा के नाम पर सिर्फ इस गांववासी को 10 से 15 दिन भोजन मिलता है। हम
सुशासन बाबू से आग्रह करेंगे कि आप इस गांव की तकलीफ को देखें कि आज 50 साल से एक यहां पे रोड नहीं है, एक यातायात की सुविधा नहीं है, ना एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और यहां के ग्रामीण का कहना है कि जब भी यहां से हम जाते हैं तो नाव के सहारे जाना पड़ता है, जबकि कभी कभी ऐसे दुर्घटना होती है जिसमें बच्चे उस नदी की गाल में समा जाते हैं। अब कुछ और ग्रामीण से बात करेंगे कि क्या यहां पे सुविधाएं और क्या क्या दिक्कत है। सर यहां पे क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? यहां पर सर समस्या का तो कोई अंत नहीं। हम लोग को जब यहां पर बाढ़ आ जाता है सर, तो नरकटिया के बगल में टूटने वाला बांध कर मुसीबत हो जाता है। तो 12 बजे रात को हम लोग जो है सो माल जाल लेकर के कोसी बांध पर बरसात के महीना में जाकर के जो है सो बरसात में वहां पर बिना घर का बिना पानी का भूखे प्यासे वहां पर रहते हैं सर। हमारे गांव को वर्ष में सर एक दिन भी ऐसा नहीं है जो बिना नाव का सहारा से जाना मुश्किल है सर। हम लोग कितने विधायक जी से, कितने MP साहब से, सबको कहते कहते मर गए। 4 बार 5 बार पटना भी गए जो सर हम लोग को स्कूल का जो है सो निदान कर दीजिए। हाँ हो रहा है लेकिन सर कोई सुनने वाला इस गांव में नहीं है सर। हम लोग को गांव में सर इतना दिक्कत है जो माँ बहन जो अगर दूसरे के खेत में जाता है लैट्रिन करने के लिए तो उसको लाठी लेकर के जिदावार करके भगाता है मकिन जमीन मालिक। उसके बाद सर यह समस्या है जो 5वां क्लास पास कर गया और उसके बाद जो है सो मिडिल स्कूल में जाने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है सर। अगर प्राइवेट रास्ता होकर के जाता है तो जमीन मालिक बगल का जो गाँव सब है वह सब रास्ता को घेर देता। अभी भी सर जो है सो कांटेदार जो है सो तार लोहा का बना करके दिया हुआ, अगर उस होकर के जाते उनको बेइज्जत करता है सर हम लोग, लेकिन हम लोग को कोई यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है सर। यहाँ मिडिल स्कूल कितना दूर है आपके गांव से? यहाँ से सर 3 किलोमीटर सर मिडिल स्कूल दूर है और वहाँ पर जाने के लिए जो है सो रास्ता तक भी जो है सर नहीं है। घुमा करके सर अगर रास्ता है तो पानी है सर, नाव का व्यवस्था जो है सो वहाँ पर है ही नहीं। गरीब आदमी हम लोग कहाँ से नाव देंगे, क्या करेंगे? बच्चा जो है सो मिडिल स्कूल जा ही नहीं पाता है। जो कुछ है अपने को नाव रखते हैं तो उनका बच्चा मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो सभी का बच्चा जो है सो 5वां क्लास छोड़ करके 6ठा में एडमिशन नहीं देता है सर। तो ये बार बार जो आप लोग बच्चे को भेजते हैं नाव से या आप लोग भी जाते हैं नाव के सहारे, तो कभी दुर्घटना भी होती है? जी सर, एक बार सर जो है सो पूरे नाव लगा हुआ था, उसमें बच्चा था, कुछ घास काटने वाली था, उधर से जो है सो जा रहे थे हम लोग, तो बच्चा यहाँ पर डूब करके मर गया। लड़का 7 वर्ष का लड़का था, वह डूब करके मर गया। वह लड़का जो है सो दिनेश राय का लड़का था, हमारे गांव का, जो गंगा नदी में डूब करके मर गया सर। लेकिन हम लोग जो है सो इस दुख दर्द को सहते हुए यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, कोई इसको सुनने वाला तक नहीं। स्कूल भी 3 किलोमीटर दूर, बगल में अगर कोई रास्ता है तो वो एक नदी है और नदी से होकर नाव के सहारे यहाँ के ग्रामीण जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं नाव के सहारे, एक ही रास्ता है वो है नाव। हम नीतीश सरकार से गुजारिश करेंगे क्या यह गांव इसी तरह रहेगा, हर गांव में नल जल सुविधा, यातायात की सुविधा, रोड की सुविधा दे दी। आप जरा इस गांव को भी देखिए कि यहाँ के ग्रामीण आज 50 साल से विधायक हो या यहाँ लोकसभा मेंबर हो, सब के द्वार यहाँ की जनता ने खटखटाया लेकिन मिला सिर्फ एक वादा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब इस गांव का और हमारी माँ है यहाँ पे, बहन है, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ बाढ़ से जो आप लोग को समस्याएं होती है उसके लिए आप लोग क्या क्या तैयारी करते हैं। आपका नाम? आपको बाढ़ जब यहाँ पे आती है तो आप लोग यहाँ क्या क्या करते हैं? किचो नौनिया का मोरी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं, सरकार यहाँ कुछ नहीं देती है, कुछ नहीं। यहाँ का स्थानीय प्रशासन कुछ देती है? कोई नहीं, कुछ न प्रशासन है, 2-4 दिन दल के भात बनवे ले वह से गुजर गए। 6000 अनुदान मिला आपको? कुछ मिला। आपका नाम? आपको 6000 रुपया मिला? नहीं सर, नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। आपको अब यहाँ के हम वार्ड पार्षद से भी बात करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि इस गांव में और क्या क्या तकलीफें हैं। शायद आप देख रहे हैं कि इस गांव का जनता किस तरह आक्रोशित है। माँ बहन हमारे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, इस गांव की जनता है,
किस तरह त्रस्त हैं। यहाँ ना तो एक रोड है ना एक अच्छा स्कूल है। इस गांव का भविष्य किस तरह अंधेरे में है, शायद हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस अंधेरे को कब तक दूर होगा। अब तो कहते हैं कि हर स्कूल, हर गांव में मैंने स्कूल दिया, हर गांव में मैंने नल जल दिया, क्या सुविधा है। आपका ही गांव है, आपका ही यह क्षेत्र है और आपका ही यह राज्य है। हम सुशासन बाबू से आग्रह करेंगे ये नरकटिया गांव आज 50 साल की भीषण बाढ़ से आज भी त्रस्त है। यहां हर दिन बाढ़ रहती है, क्योंकि जब नदी में हर आदमी नदी होकर जाता है तो वह एक तरह का बाढ़ की गाल में ही जाता है। यहाँ बाढ़ आज नहीं कल नहीं, सालों भर यहाँ बाढ़ का पानी से ये गांव वाले परेशान होते हैं। अब हम यहाँ के वार्ड पार्षद से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहती हैं उनसे बात करेंगे। अरुण देवी, अरुण देवी, आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ जब बाढ़ आती है तो क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं मिलती है सरकार? कुछ सुविधा नहीं छे, कनी स्कूल में दल चौर मिले छे तो 10-15 दिन कहे छे राहत भोजन दे ले, राहत भोजन दे ले की छे सब तो यह नदी में दूगो चारगो बच्चो डूब के मर ले आ कुछ दे छे की दे छे सरकार 6,000 टका दल वह खाए छे वो कैसे जल के क्या एते दिन सर 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 वास पार्षद एतो कोनो सुविधा नहीं छे सर, बुझलिए देखै छे दू दू गोला घर किछु दै छे 200-400 रुपया मिला के दू दू गोला कीन के दै छे। सब तो गरीबे छे, गाम के छे धक घर पार्टी कोइ छे गरीब के बस्ती छिये, सरकार से कहाँ बुझै छे ई गरीब के पार्टी छिये ते तो कुछ मदद करिए। जे आवे छे वोट ले के रहै छे वोट ले छे भागे छे, आब की कहू। हम अभी वार्ड पार्षद से भी बात किए, उन्होंने भी अपनी तकलीफें बताई, सरकार से गुजारिश की। आज भी यहाँ पे 90% लोग को तो अनुदान मिल चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पे स्थानीय जनता भी आज उस 6,000 की अनुदान में आस लगाए बैठी है। अब हम यहाँ के भूतपूर्व मुखिया से एक बार फिर बात करेंगे कि आप लोग इस गांव के विकास के लिए किस तरह का सोच रहे, किससे आस लगाए बैठे हैं कि वो हमको हमारा इस गांव का कष्ट सुने। आप कहां तक इस प्लानिंग के साथ, किस प्रोग्राम के साथ, कैसे आप इसको सोचते हैं? आप भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं, आप इस गांव में पुल नहीं है ये बात आप जानते हैं, लेकिन ये कहां तक आप लोग कभी प्रयास किए थे कि पुल? प्रयास हम लोग बहुत दूर तक कर गए, पटना गए कम से कम 10 बार, कल भी कहा है जो इस महीना का बात होगा टेंडर। किसने बताया ये बात? ओवरसियर। ओवरसियर का नाम? नाम नहीं मालूम है। यहाँ पे सिर्फ आशाएं मिलती हैं और आशा के सिवा कुछ नहीं मिलता है, ये गांव कितनी तकलीफ में है शायद आप जान सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि यहाँ के लड़के का शादी में इतनी तकलीफें होती हैं कि आज भी यहाँ पे बहुत सारे लड़के कुंवारे बैठे हैं। लड़के से बात करेंगे जो कि आज शादी के इंतजार में बैठे हैं, एक लड़का करेंगे जो कि आज शादी के इंतजार में काफी लंबे समय से शादी का इंतजार कर रहे हैं, और उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं होती है शादी में, क्या अड़चन आती है इस गांव में जो कुंवारे लड़के हैं, आखिर क्यों लड़की वाले इस गांव के लड़के को निग्लेक्ट करते हैं। अब उस एक लड़के हमारे सामने हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? बाबूलाल पासवान। अच्छा, यहाँ पे ग्रामीण का कहना है कि बहुत सारे इस गांव में कुमारे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्या कारण है? ये कारण है सर, ये नदी है हम लोग का बीच में, यही लोग कारण है जो कि जो देखने के लिए लड़की वाला आता है वो पानी से भटक जाता है, बोलता है गाँव में शादी नहीं करेंगे, यही से लड़का लोग हम लोग को देखने भी आता है तो बोलता है क्या हमको पसंद नहीं है, इस गाँव में करना ही नहीं है सर। सिर्फ नदी ही रोड़ा बना हुआ है, नदी है हम लोग का परेशानी कर रखा है। मैंने एक लड़के से बात की, अभी भी शादी का इंतजार में बैठे हैं, उनका कहना है कि शादी में सिर्फ ये नदी जो है ना ये रोड़ा बना, आखिर ये अगर नदी रहे तो यहाँ के लड़के का शादी खुद मुश्किल है। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि जरा देखें यहाँ अविवाहित
कितने लड़के हैं और कब तक इनका शादी होगा, कब तक का पुल बनाइएगा ताकि यहाँ का लड़के उस पुल से होकर एक गाड़ी से जाकर किसी लड़की को से शादी करके इस गांव तक आए। यहाँ के माँ बाप आज भी बूढ़े हो चुके हैं अपने बहू को देखने के लिए। अभी हम एक ग्रामीण से बात करेंगे इसी मैटर पर कि सर यहाँ पे शादी का क्या समस्या है। शादी का तो बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। क्या समस्या, कैसे क्यों नहीं हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता है इसका कारण है कि चारों तरफ रास्ता बाधित है। एक रास्ता है हम लोगों को जो कोसी बांध पे जाते हैं, वो रास्ता गोमा नदी के चपेट में पड़ा हुआ है। नाव से हम लोग पार होते हैं, चंदा चुटकी देकर के 10 हाथ के लाव बनाते हैं, साल में 10 बार लावे डूबता है। हम लोग अपना ग्रामीण मेहनत से यहाँ जी रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता। साथ साथ नीतीश कुमार जी से तो हम लोगों को इतना दुख है जिसका कोई जवाब नहीं। वो सरकार बने थे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे गांव से जोड़ेंगे, कुछ नहीं किए हम लोग हमारे गांव के लिए। इजहार साहब मंत्री रही, विधायक रहे 10 वर्ष, वो भी नीतीश के पार्टी के थे। मदन सहनी भी नीतीश के पार्टी के। हम लोग बार बार वोटिंग किए, जो कहे हम लोग करने के लिए तैयार, लेकिन आज तक नीतीश जी हम लोगों को बात नहीं सुने और सुनना भी नहीं चाहते। सोचते हैं लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइट बनेंगे पूरे ग्रामीण, कतलेआम शुरू करेंगे, मरेंगे मारेंगे, यही काम सब करेंगे हम लोग। हम लोगों को अगर सुविधा नहीं मिला तो आम जनता की आवाज को सुनिए सुशासन बाबू। हम लोग नीतीश कुमार से बिल्कुल आम जनता की आवाज, नरकटिया गांव वासी की आवाज को सुनिए सुशासन साहब। अब देखिए कि यहाँ की जनता कितना आक्रोशित है। यहाँ की जनता एक आस लगाए आज 500 साल से एक सिर्फ एक ब्रिज की वजह से आज ये गांव कितना पिछड़ा हुआ है। इस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, कोई चीज का हर चीज की कमी है। जिस कमी को कब तक आप पूरा करेंगे? यहाँ का स्थानीय लोग अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य किस तरह बनाएंगे, देखने वाली बात ये है।